और इस वीडियो में हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं स्कूटी में डलवाऊंगा ऑयल ट्रीटमेंट। ये देखो अब कितनी तेज आवाज आ रही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक, स्वागत है आप सभी का एक न्यू मोटो व्लॉग में। तो अभी टाइम शाम के 5:30 हो रहे हैं और इस वीडियो में हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और मेरे आगे ड्राइविंग सिखाने वाली गाड़ी चल रही है, तो फटाफट इसके साइड से निकल लेते हैं। हाँ तो अब आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। तो एक्सपेरिमेंट ये है कि अभी मेरी स्कूटी 2500 किलोमीटर चल चुकी है, मतलब जब से मैंने लास्ट सर्विस कराई थी तब से 2500 से ऊपर ही चल चुकी है और स्कूटी अब बहुत ज्यादा मतलब खराब चलने लग गई है, टाइट चल रही है, मतलब पता चल रहा है कि सर्विस का टाइम आ गया है। तो अभी सर्विस करवाने में थोड़ा टाइम है, मतलब वही अभी थोड़े पैसे नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ 500 किलोमीटर थोड़ी और चल जाए उसके बाद सर्विस करवाऊंगा। पर 500 किलोमीटर इस हालत में तो मैं चला नहीं सकता क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइट चल रही है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है स्कूटी चलाने में। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं स्कूटी में डलवाऊंगा ऑयल ट्रीटमेंट, जिसका दूसरा नाम ऑयल एडिटिव भी है, इंजन ऑयल एडिटिव, तो उसी को ऑयल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं और ऑयल एडिटिव भी बोलते हैं। तो वैसे मैंने एक कंपनी का ऑयल एडिटिव यूज कर रखा है 2 बार और उस कंपनी का नाम है वर्थ, पर इस बार मैं कुछ अलग कंपनी का ट्राई करने वाला हूँ, तो उस कंपनी का नाम है एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट। वैसे कंपनी का नाम एब्रो है और जो प्रोडक्ट है उसका नाम है ऑयल ट्रीटमेंट, तो पूरा नाम है एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट। तो वो मेरे घर के पास में मिल जाता है, मेरे ख्याल से 150 रुपए के आसपास मिलता होगा, तो वहीं से लेंगे और डलाएंगे अपनी स्कूटी में, फिर उसके बाद देखते हैं परफॉर्मेंस बढ़ती है या सेम रहती है। मेरे ख्याल से तो बढ़नी चाहिए। और जाम लग गया है, मुझे उधर से चले जाना चाहिए था जो प्राइवेट रोड बना रखी है दिल्ली गवर्नमेंट ने, ये देखो ये रही। पर अब कुछ फायदा नहीं, अब तो हम यहाँ से आ गए हैं, अब नहीं चढ़ा पाएंगे। ये देखो लोग कैसे जा रहे हैं और हम यहाँ गधों की तरह ट्रैफिक में खड़े हैं। फिर देखो ऑटो भी जा रहे हैं और मेरे गाल पे एक मच्छर बैठ रखा है, शायद कुछ बैठ रखा है, वो काट रहा है, पर मैं अभी हटा नहीं सकता, गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब ट्रैफिक लग रखा है। एक तो ये सब चीजें भी उल्टी टाइम पे होती है जब इंसान कुछ कर भी ना पाए। फटाफट साफ कर लेता हूँ। ओहो, अब जाके रिलीफ मिला, बहुत ही ज्यादा सुकून मिला। और ये भारत सरकार जा रही है वैगनार में और अब अंधेरा थोड़ा जल्दी होने लग गया है। ओ भाई, किसी का कांच टूट गया। अभी मेरे ख्याल से 6 भी नहीं बजे होंगे पर उजाला देख लो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। अरे भैया, भारत सरकार दोबारा आगे आ गई, मर्सिडीज 4MATIC। वैसे मैंने ये एक्सपेरिमेंट एक बार करके देख रखा है पर उस टाइम मेरी स्कूटी ज्यादा नहीं चली थी, मतलब मैंने जब सर्विस करवाई थी उसके 1000 ही किलोमीटर चली थी तब डलवाया था मैंने, पर इस बार जो मैं डलवा रहा हूँ वो 2500 चलाने के बाद डलवा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं, मेरे ख्याल से तो अच्छे ही आने चाहिए, बाकी वो तभी पता चलेगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मेरे आगे वॉल्वो चल रही है, चंडीगढ़ नंबर, तो वॉल्वो को बहुत ही ज्यादा सेफ कार माना जाता है वैसे, ऐसा मैंने वीडियो में सुना था। और हमारी लाइट हो चुकी है ग्रीन, पर मेरे ख्याल से मेरे पहुंचने से पहले बंद हो जाएगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा लोग स्लो चल रहे हैं और जाम भी लग रखा है ऊपर से। रुक जा। चलो भाई निकल गए हम, तो अब तो बंद हो जाए रेड लाइट, रेड लाइट ही होती रही जिंदगी भर। और हमने मर्सिडीज नहीं होंडा सिटी को पीछे छोड़ दिया है। अब स्कूटी को बिल्कुल भी भगाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ही ज्यादा ना टाइट चल रही है, ऐसा लग रहा है कहीं मैं भगाऊं खराब ना हो जाए, क्योंकि जब टाइट चलने लग जाती है ना तो इसका मतलब होता है कि इंजन में लुब्रिकेशन कम हो रहा है, तो जिससे वियर एंड टियर ज्यादा होता है। तो टाइट स्कूटी इसलिए चलती है क्योंकि ऑयल पुराना हो जाता है, तो उसकी वेस्कोसिटी कम हो जाती है, वो ढंग से लुब्रिकेट नहीं कर पाता इंजन को, तो इंजन टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन में फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो वियर एंड टियर होता है। वैसे मैंने साइंस तो पढ़ी नहीं है इतनी, पर फिर भी इतना पता चल जाता है मुझे। और बाकी मैं अपने वही पुराने रास्ते पे हूँ रोज की तरह और घर जा रहा हूँ। तो चलो अब घर चलते हैं और डलवाते हैं इसमें ऑयल ट्रीटमेंट। पहले ये भी देखना पड़ेगा कहीं पता चले मिले ही ना घर जाके। वैसे मैंने एक दिन पूछा था तो था उनके पास, पर उस टाइम मेरे को वाला नहीं डलवाना था, मेरे को वर्थ का डलवाना था, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। ओ भाई, देख रहे हो बिना इंडिकेटर दिया ऐसे ही मोड़ देते हैं बेवकूफ लोग, खुद तो बच जाएंगे हमें मार देंगे। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था मैं। देखो अंधेरा कितनी जल्दी होने लग गया है, पहले इस टाइम धूप होती थी एकदम तेज धूप, तो मेरी पहले की वीडियो देखोगे उसी टाइम की है मेरी सारी वीडियो। तो चलते हैं सीधा घर, बाकी की बात करेंगे घर पहुंच के जब मेरे पास वो प्रोडक्ट आ जाएगा, तो बाकी की बातें तभी करेंगे, तभी मैं आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। और पीछे से गाड़ी आ रही है बड़ी तेज, आजकल ये वाले मिरर बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं, ऐसे पीछे से पता चल जाता है कौन सी गाड़ी तेज आ रही है कौन सी स्लो आ रही है, तो इंसान पहले ही वो हो जाता है क्या बोलते हैं सावधान, अलर्ट हो जाता है, अलर्ट जैसे मैं हो गया था अभी, क्योंकि आजकल चारों तरफ देख के चलानी चाहिए गाड़ी, भले ही आप सही चला रहे हो पर सामने वाला तो सही नहीं चला रहा होगा ना। बाकी मौसम तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो रहा है, एकदम चिल्ड हवा चल रही है ठंडी। तो चलो अब आपसे सीधा कल ही मिलता हूँ, तो कल ही अब इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आगे। आजकल मैं वीडियो ऐसे बनाता हूँ, आधी वीडियो आज आधी वीडियो कल आधी वीडियो परसों, पर सही है बढ़िया है ऐसे भी। वैसे मेरे को 2 दिन में
एक वीडियो डालनी होती है, पर कभी जब कंटेंट होता है तो मैं एक ही दिन में दो दो वीडियोस बना देता हूँ। तो वही है, सारा खेल कंटेंट का है। और दो दिन में एक वीडियो डालने में ये भी फायदा रहता है कि आपको बहुत टाइम मिल जाता है। अब जैसे मैंने एक वीडियो आज डाली तो मेरे पे आज का भी टाइम है, कल का भी टाइम है और थोड़ा बहुत परसों का भी टाइम है, क्योंकि परसों भी सुबह सुबह तो आ नहीं जाएगी वीडियो, परसों भी शाम को ही आएगी। बाकी डेली वीडियोस डालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक हफ्ता मैंने डेली डाली थी तो मेरा तेल निकल गया था उसमें। एक हफ्ता भी नहीं डाली होगी, चार पांच दिन डाली होगी बस। चलो यार कल ही मिलते हैं हम, वरना मैं वीडियो इतनी लंबी बना दूंगा। पहले ऐसा होता था मैं बोल ही नहीं पाता था, कुछ समझ ही नहीं आता था क्या बोलूं कैमरे पे। अब ऐसा होता है कि मेरे को बहुत सारा पार्ट कट करना पड़ जाता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोल जाता हूँ, तो बहुत सारी चीजें मुझे कट करनी पड़ती है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, पर फिर भी 10 मिनट पहुंच जाती है या फिर उससे ऊपर, पर मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा लंबी ना रखूं। तो ऑयल ट्रीटमेंट लेके आ गया हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको। तो कुछ ऐसा दिखता है, तो ऐसे कैन में आता है प्रोडक्ट और देखो यहाँ लिखा है एब्रो प्रीमियम ऑयल ट्रीटमेंट कंसंट्रेटेड टू हेल्प इंजन रन स्मूथर। अरे पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा है। ब्लेंड्स विद ऑल ऑयल यूएसए टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे दिखा रखा है कि कैसे डालना है। और बाकी नीचे इसमें एमआरपी लिखी है, वैसे एमआरपी 140 की है पर ये मुझे 100 रुपए का मिला है। और इन इन चीजों में हम इसे डाल सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स, ट्रक्स, बोट्स, मोटरसाइकिल। तो चलते हैं अब डलवाते हैं इसे स्कूटी में। तो ऑयल ट्रीटमेंट डलवा दिया है मैंने और इसे डालना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो जो इससे पहले मैंने ऑयल ट्रीटमेंट डलवाए थे, मतलब ऑयल एडिटिव डलवाए थे, वो लिक्विड फॉर्म में होते थे तो बहुत ही ज्यादा इजीली डल जाते थे। और यहाँ पे गाड़ियां इतनी धीरे क्यों चल रही है, पर जो ये था ये बहुत ज्यादा हार्ड था, मतलब जैसे शहद नहीं होता वैसा था। तो मैं एक बार तो दुकान से डलवा के घर गया, फिर घर पे जाके मैंने डिब्बा देखा तो डिब्बे में भी थोड़ा सा था, फिर मैं वापस दुकान में गया, फिर उसके बाद थोड़ी देर डिब्बे को टेढ़ा करके ही रख दिया ताकि सारा का सारा ऑयल ट्रीटमेंट चला जाए इंजन में, तब जाके गया। तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है इसको डालने में, नहीं तो जो बाकी होते हैं वो लिक्विड जैसे होते हैं, तुरंत डल जाते हैं। और बाकी थोड़ा बहुत फर्क तो लग रहा है स्कूटी चलाने में, लेकिन थोड़ी और चला लेते हैं, 5-10 किलोमीटर चला लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ इसका रिव्यू। तो प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया है, 100 रुपए का खरीदा था मैंने ये, वैसे अमेजोन पे चेक करोगे तो 150-200 तक का मिलता है। और इसमें एमआरपी 140 रुपए लिखी है, और जो इससे पहले मैंने डलवाया था वर्थ का तो वो भी ऐसे ही आता है 100 रुपए के आसपास। तो प्राइस लगभग सेम ही है सारे ऑयल एडिटिव्स के, कोई 150 का भी आता है, कोई 200 का भी आता है। बाकी यार फर्क तो मुझे अभी से दिखने लग गया है। और ये जाम क्यों लग रहा है बताओ, रेड लाइट कहाँ पे और जाम कहाँ से लगने लग गया है? यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे होगी रेड लाइट, तो उसका जाम यहाँ तक है, तो लगता है आज मुझे शॉर्टकट लेना पड़ेगा। तो ये रहा शॉर्टकट, अब हम सर्विस रोड से जाएंगे। बंद है यार, बंद है, बंद है, बंद है, बाजार लगा हुआ है ना आज। वैसे बहुत बढ़िया वो है, जैसे कभी जाम लगा हो ना तो सर्विस रोड से निकल जाओ, सीधा आगे रेड लाइट के पास छोड़ता है, फालतू में ही टाइम वेस्ट हो गया। इससे बढ़िया तो हम थोड़ा और आगे पहुंच जाते अभी तक, पर कोई नहीं। और ये इको को देखो, इसके तो अंचर पंचर ढीले हो रखे हैं। और ब्रेजा देखो क्या बढ़िया लग रही है, अभी नंबर प्लेट भी नहीं आई है उसकी, पहली मॉडिफाई करा दी, टायर मॉडिफाई करा रखे हैं, पर बढ़िया लग रही है। हाँ बना लेता हूँ कभी कभी, थैंक यू, सही है। अरे यार अब क्यों रुक रखे हैं, अब तो ग्रीन लाइट हो रखी है। तो गोप्रो लगा के पब्लिक रिएक्शन भी आते रहते हैं डेली, लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि ये क्या लगा रखा है इस लड़के ने। तो चलो मैं अब आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, थोड़ा चला लेते हैं स्कूटी को, तभी हमें पता चलेगा इसकी परफॉर्मेंस का कि बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। तो अभी मैं स्कूटी चला रहा था और स्कूटी में से पता नहीं अजीब सी आवाज आ रही है, ये देखो। मेरे ख्याल से यहाँ कुछ टायर मडगार्ड पे कुछ फंस गया है शायद, पता नहीं भाई क्या आवाज आ रही है, अभी तक तो नहीं थी आ रही आवाज। एक तो स्कूटी में व्यू भी तो नहीं मिल पा रहा ढंग से, चलो छोड़ो चलते हैं। मेरे ख्याल से कोई ब्लाइंड स्पॉट होगा जहाँ दिख नहीं रहा, वहीं पे कुछ फंस गया है। कड़क 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 आवाज आ रही है जब स्कूटी चला रहा हूँ, क्या तो देखते हैं क्या पता चलते चलते हट जाए। ये देखो अब कितनी तेज आवाज आ रही है, और ओ भैया वीडियो बना रहे हैं। बस कोई भारी भरकम चीज ना फंसी हो, कहीं पता चले चलते चलते स्कूटी का टायर ही वो हो जाए लॉक। ये देखना, मेरे हिसाब से मुझे यहाँ रोकनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है यार अब तो। एक बार हेलमेट उतार के चेक करता हूँ।
तो पता चल चुका है रीजन, अभी बताता हूँ आपको। तो रीजन पता चल चुका है, बहुत ही ज्यादा अजीब रीजन है यार, तो अब बताता हूँ आपको। तो जो आवाज है वो इस तार से आ रही है, जैसे मैं टायर घुमा रहा हूँ ना, इस तार में पता नहीं क्यों आवाज आ रही है। ये देखो तार भी हिल रही है थोड़ी थोड़ी, और ये मेरे ख्याल से मीटर की तार है, क्योंकि आगे तो बस दो ही चीजों की तार आती है, एक मीटर की और दूसरी ये दोनों ब्रेक की है। पहले एक आती थी, अब दो इसलिए आती है क्योंकि इसमें वो है ना SBS सिंक ब्रेकिंग सिस्टम, और बाकी ये मीटर की तार है, तो मीटर की तार में आ रही है आवाज। तो ये काम तो मैं कर नहीं सकता ठीक, तो मैकेनिक को ही दिखाना पड़ेगा घर जाके। तो चलो कोई वैसी दिक्कत नहीं है, मीटर ही खराब होएगा, स्कूटी तो नहीं गिरेगी कम से कम। नहीं तो मैं सोच रहा था कहीं कुछ टायर में अड़ ना जाए, क्योंकि आवाज आ रही थी ना ऐसे कट 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 कट, बुलेट बन गई है बुलेट। और बाकी मैं उसका बता देता हूँ आपको, जो मैंने एब्रो का ऑयल ट्रीटमेंट डाला है उसका रिव्यू। तो स्कूटी में बहुत ज्यादा फर्क दिख रहा है, स्मूथ भी हो गई और इसका पिकअप भी बढ़ गया है, क्योंकि इसका सर्विस का टाइम आ गया था तो सब चीजें बेकार हो रखी थी, पिकअप हो गया, स्पीड हो गई और स्मूथनेस भी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, पर अब एकदम मस्त चल रही है स्मूथ। अब ऐसा है कि मैं 500 किलोमीटर और चला सकता हूँ आराम से, तो काफी बढ़िया चीज है। वैसे इसे तब यूज करते हैं जब हम नया ऑयल डालते हैं स्कूटी में या बाइक में, तो नए ऑयल के साथ ही डालते हैं, पर आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने किया। तो अब एकदम स्मूथ चल रही है स्कूटी, तो स्कूटी चलाने में तो मजा आ रहा है, पर एक ये बतानी नई आवाज कहाँ से शुरू हो गई, टक 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 ऐसे कर रही है स्कूटी, और बाकी जाम लग रखा है बहुत ही ज्यादा। तो बढ़िया प्रोडक्ट है ये भी, आप भी ले सकते हो। अगर आपका सर्विस का टाइम आ चुका है पर आपके पास पैसे नहीं है सर्विस करवाने के लिए, तो आपको 500-600 किलोमीटर खींच देगा ये ऑयल ट्रीटमेंट, और बाकी इसे आप सर्विस के टाइम भी डलवा सकते हो जब आप न्यू ऑयल डलवाओगे। ओ भाई यार रोड पे भी इतने बड़े बड़े पत्थर है, मैं पैर रख रहा हूँ पैर भी फिसल रहा है, और देखो लोग कहाँ कहाँ से जा रहे हैं। इन बाइकों का यही फायदा है, स्प्लेंडर स्प्लेंडर, और स्कूटी वाले भैया को तो उतरना पड़ गया। स्प्लेंडर में कुछ टूटने का तो होता नहीं है, और कुछ टूट भी जाए तो बहुत सस्ते पार्ट्स आते हैं उसके, तो कहीं से भी कुदा दो। स्प्लेंडर एक वो है सस्ती एडवेंचर बाइक, और स्कूटी में तेल भी कम है तो तेल भी डलवा देता हूँ। और अंकल कितना पोल्यूशन फैला रहे हैं दिल्ली में, वैसे इतना पोल्यूशन है, और मेरे ख्याल से तो पेट्रोल पंप में भीड़ होगी, अगर ज्यादा ही भीड़ होगी तो नहीं डलवाएंगे, कम भीड़ होगी तो डलवा लेंगे। प्रीमियम वाला डाल दो एक 210 का, 210। तो तेल भी डलवा दिया है, खाली पड़ा था, मेरे आगे बस एक ही अंकल थे, पर ये हवा भरवाने में देखो लाइन लग रखी है। चलो अब चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। क्या भाग रही है यार अब स्कूटी, एकदम जान आ गई स्कूटी में, नहीं तो कल तक ऐसे चल रही थी रो रो के, बहुत ही ज्यादा टाइट चल रही थी, अब तो स्मूथ हो गई है काफी। तो इस वीडियो का यही कंक्लूजन निकलता है कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़िया है, आप भी यूज कर सकते हो। तो बस इस वीडियो को यही एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो बस इस वीडियो को यही एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।